मॉर्निंग, आप देख रहे हैं पीएमके वर्ल्ड ऑफ एचएसटी। आज का प्रोग्राम हमारा स्काफोल्डिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में पीछे देख रहे होंगे, ये टीसी डैक 5 है और ये हेवी ड्यूटी स्काफोल्डिंग है। इसको बनाने के समय क्या क्या चेक करते हैं और इसके ऊपर कितना लोड आएगा, उसके बारे में आप लोगों की हम जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्काफोल्डिंग को इरेक्शन करने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल चेक करना है। ग्राउंड लेवल इस स्काफोल्डिंग के लिए पीसीसी का रिक्वायरमेंट होता है, और सोल प्लेट नीचे लगाना है, उसके बाद बेस प्लेट लगाना है, उसके बाद आपको इरेक्शन करते हुए ऊपर को जाना है, उसके बाद आपको कीकर लिफ्ट भी एक लेवल में लगाते हुए जाना है। और कीकर लिफ्ट अगर लेवल में नहीं रहेगा तो आपको आगे चल के स्काफोल्डिंग भाग जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा भागने से आपको 500 mm तक भाग सकता है। इसलिए स्प्रिट लेवल से आप लेवल मिला के ऊपर तक लेके जाओ। और मटेरियल को भी चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो लेजर पाइप है उसमें होल है, उसको भी लगा देते हैं, बैंड पाइप है उसको भी लगा देते हैं लोग बाग। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो लेज़र पाइप है इसमें 500 का लगा हुआ है एक लेज़र पाइप, तो आपको एक बराबर का ही 500 का ही लगाना है, नहीं कि आप 450 का इसमें लेज़र पाइप को लगा दें। तीसरा चीज़ क्या है कि आपको इसको जैसे जैसे इरेक्शन करना है एवरी 4 मीटर पे लॉकिंग करते हुए ऊपर को जाना है। किस टाइप को लॉकिंग करना है, एवरी कॉलम को आपको बॉक्स टाई लॉकिंग करना है एवरी 4 मीटर पे। उसके बाद इन साइड से ब्रेसिंग मारना है, उसके बाद आउट साइड से आपको जिग जैक ब्रेसिंग मारना है, और यू जैक को भी चेक कर लेना है कि एक लेवल में है या नहीं है, सही से लगा है कि नहीं है, और कब इसका पूरा टाइट है या नहीं है आपको चेक करना है। दूसरा क्या है, इसका जो एक ज्वाइंट होता है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो ज्वाइंट है इसको आप ऐसे में इसका 8 mm का नट बोल्ट आता है, 8 mm का बोल्ट लगाना है, और 2 बोल्ट लगाना है इसमें, एक नहीं 2 लगाना है, और इसको 2 बोल्ट लगाना है और ऐसे ऊपर तक जाना है आपको। और इसमें आपको ऊपर टॉप एलिवेशन पे मिड रेल, हैंड रेल और टू गार्ड का भी इस्तेमाल करना है, नहीं तो क्या होगा, उससे अगर आपको ऊपर में टू गार्ड, मिड रेल और हैंड रेल नहीं रहने से आप कोई भी आदमी ऊपर से नीचे गिर सकता है, लूज मटेरियल नीचे गिर सकता है, आदमी भी नीचे गिर सकता है। इसके लिए हैंड रेल ज़रूरी है, मिड रेल ज़रूरी है, टू गार्ड भी ज़रूरी है, इसलिए कि आपको कोई भी पैर से लूज मटेरियल को लग गया तो वो नीचे आएगा, नीचे में हार्ड वेरिकेशन होना भी ज़रूरी है। और अब बताता हूँ आपको कि इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है। ये इसका फोल्डिंग के ऊपर 3000 टन लोड आता है, और इसका कंक्रीट का जो लोड है 2600 टन लोड है, और इसका सरिया का जो लोड है 400 टन लोड है। टोटल 3000 टन ये इसका फोल्डिंग के ऊपर लोड आता है। और इस स्काफोल्डिंग को बनाने के समय इसको ये भी ध्यान देना है, 2 एक्सेस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक आने के लिए दूसरा जाने के लिए, और एक्सेस प्लेटफॉर्म प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसके बाद इसमें ग्रीन टेक आप लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।